हेलो भाई, क्या हाल चाल? बड़ा राम राम। छोटे बताएं अपने क्या हाल चाल है यार। काफ़ी मतलब सुबह से वीडियो की शुरुआत की नहीं है, तो अब से कर रहा हूँ। मतलब 3 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, तो मैंने सोचा मैं कि चलो यार वीडियो की शुरुआत तो करनी है यार, डेली ब्लॉग भी वो करना है कंटिन्यू, अगर एक आधे दिन का गैप पड़ गया। लेकिन आज का ब्लॉग जो होने रहने वाला है वो छोटा ही रहने वाला है, क्योंकि टाइम कम रह गया तो अंधेरा होने में, इसी हिसाब से तो ब्लॉग छोटा ही रहेगा। और जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। हमारे बहुत ही जल्द 1K होने वाले हैं, जल्दी से जल्दी भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत जल्द जैसे ही 1K हो जाएंगे हमारे भाई को हौसला हो जाएगा दुगना। सीधी सी बात है यार, 1K सब्सक्राइबर वो करने, जहाँ तक है अब तक भाइयों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जो भाई हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो सब्सक्राइब कर रखा है हमारा चैनल, और जिसने नहीं करा है वो प्लीज़ भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अब ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत तो बस कुछ नहीं है, मैं यार बस जस्ट सो के उठ के मुँह हाथ धो के चाय वाय पी के तो खाना वाना खा लिया, तो अब मैं क्या यार, एक तो हमारा ये डॉग बहुत परेशान करता है, तो इसी वजह से ऐसे तो मैं घुमाने लेके आया था, मैं चल यार थोड़ा सा घुमा लें। पहले तो स्कूटी धोऊंगा, फिर नहाऊंगा और फिर जाएंगे कहीं, थोड़ा बहुत जो भी काम होगा वो काम करने जाएंगे। चलो, और हमारा इधर का पीछे थोड़ी सी जगह है, बस थोड़ी बहुत है, होगी पता नहीं यार कितनी होगी, मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पे धनिया वनिया वो रखा है, और एक गलगल का पेड़ खड़ा है, तो एक यहाँ पे मैंने बेल लगाई थी, लगाई तो बहुत जगह थी, यहाँ पे भी लगाई थी, वहाँ भी लगाई थी, वहाँ पे भी लगाई थी, उधर वहाँ की उस वो वाली साइड भी लगाई थी, और यहाँ भी लगाई थी, लेकिन जमी कहीं नहीं, एक जगह जमी है बस यहाँ पे, वहाँ पे भी लगी थी, वहाँ पे भी लगा रखी थी यार। पता नहीं गर्मी की, ये देखो ऐसा धनिया देखा है आपने कभी? गाइस बताओ ऐसा धनिया किस किस ने देखा है, इतना बड़ा बड़ा, इतना लंबा लंबा धनिया। ये अंदर से जो पानी बारिश का आता है उसका मैंने बनाया था अपने हाथों से, खुद सीमेंट वगैरह से ऐसे करके बढ़िया करके बना था ये। और वो सामने गलगल का पेड़ खड़ा है वहाँ पे, और यहाँ से नाली वाली और खेत वेत जुत गए हैं। और भाई गर्मी इस टाइम गर्मी लाजवाब हो रही है, लेकिन आज हवा हवा एक नंबर मस्त चल रही है, आज नींद बहुत अच्छी आई यार। बोलते हैं कि पूर्वा में नींद अच्छी आती है, वाकई में यार नींद बड़ी अच्छी है आज, ना गर्मी लगी ना कुछ लगा, एक नंबर नींद आई। चलो अब आपको नहा धो के आगे मिलते हैं, दिखा धोएंगे हम इससे प्रेशर से यार, मारनी तो मतलब हल्की हल्की, एक बार सुबह पानी तो मार दिया था, लेकिन यार वो नहीं करा, सरफ नहीं मारा था थोड़ा, मैं कह एक बार सरफ मार देना, सरफ से ना एक ऐसे हो जाएगा बिल्कुल साफ, मतलब यार ये दाग से रह गए कुछ कुछ, कुछ दाग से लगे रह गए, मैं कह यार ये कर जाएंगे, मैं बड़ी अगर धोई भी है बीच पे चला करके क्यों वो करना है, मैं अगर धोई थे सुबह पानी मारा तो मैं कह अच्छे से मार देते हैं, अच्छे मार के ये हो जाएगा, एक बार मार के कपड़ा बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा मामला। भी करके करते हैं, धो दी भाई, करती बिल्कुल क्लीन हो गया एक नंबर। ये रहा भाई का यूट्यूब चैनल, इसे जो भाई चैनल आए हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ये देखें भाई चमक गई, एक नंबर हो गई सारी, गारा पारा सब निकाल दिया, कम से कम आधा घंटा लग गया, एक नंबर हो गई। उसे धूप में खड़ी कर देते हैं, सूख जाएगी अब बढ़िया करके बिल्कुल टॉप करके। ये कपड़ा है इसे इसे भी धो के डालना पड़ेगा, क्योंकि ये सर आपका कपड़ा हो रहा है, इसे चलो इसे धो लेता हूँ यार, क्या होता हूँ फिर, पहले तो मैं करूँगा इसे धोऊँगा, फिर नहाता हूँ, फिर नहा धो के फिर मिलता हूँ आपको। चल रहे हैं अब घूमने फिरने, तो यार आज इधर को ऐसी जगह है, मैं काफ़ी दिनों के यार इधर को निकले नहीं है, मैं चलो आज इधर को ही निकलते हैं। तो
जैसा भी है सही है। आगे बैठे हैं रास्ते में बानर, आपको मैं दिखाऊंगा यार। मतलब काफ़ी परेशान करते जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारे जब हम स्कूल वगैरह से आते थे तो ना ये हमारे पीछे भाग लेते थे। अब तो नहीं डर लगता, जब छोटे छोटे थे तो डर लगता था कभी किधर से घूम के, कभी किधर की खेत की तरफ से घूम के जाना, कभी किधर की साइड से जाना। अब देखो वहाँ रास्ते में बैठा है, अब नहीं लगता वैसे बिल्कुल भी डर, पहले लगता था। वो देखो ये बैठे हैं यहाँ पे, पहले इनसे इतना डर लगता था ना पूछो मत, पीछे भाग लेते हैं। डर तो वैसे अब भी लगता है लेकिन अब उतना नहीं लगता है, अगर खड़े हैं तो निकल जाएंगे। लेकिन पहले ये सिस्टम था कि यार जब जैसे स्कूल वगैरह से आए तो जैसे मतलब स्कूल वगैरह से आए तो हमारे पीछे भाग लेते थे, तो पीछे भाग लेते थे तो ऐसा सिस्टम हो जाता है ना, मतलब कई बार कभी उधर से निकल के आ रहे हैं, कभी इधर से निकल के आ रहे हैं, कभी अगर रास्ते पे बैठे हैं तो कभी कहीं से कभी कहीं से। अब देखो मेरे पीछे से भी वो रहा है, वो बैठा है, लेकिन डर तो अब भी लगता है। कार्ड वाट लें, एक वो मेरे सामने ही बैठा है, मैंने दिखाई नहीं पड़ा तो डर तो अब भी लगता है, लेकिन अब उतना डर नहीं लगता जितना पहले लगता था। बचपन में तो इतना ज़्यादा डर लगता था पूछिए मत। एक दोस्त है हमारा यहाँ पे गुरुद्वारे पे रहते थे, अब उनका घर पीछे में है, तो वो बंदा ना मतलब दोनों सिस्टर भी और भाई भी मतलब यो हिसाब था, वो नहीं डरते थे, वो काफ़ी बार हमें निकाल के गए हैं तो यो हिसाब रह बता मतलब ऐसा हिसाब था। लेकिन बचपन में हुआ बहुत बार, लेकिन हम कभी किधर से निकल के आ रहे हैं, कभी किधर से निकल के आ रहे हैं, तो ऐसा ही सिस्टम था। तो मैं यही बस आपको बता रहा था, छोटी सी एक बात थी मैं आपके साथ शेयर कर लें। तो चलो आपको आगे मिलते हैं। कैसे हम यहाँ पे आए हैं घूमने, इधर की साइड में चारों तरफ इतना मतलब पानी सारा सूख चुका है यहाँ पे, चारों तरफ सूखा ही सूखा 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 ही सूखा। कहाँ से लाइन लेने जाना खीरे, चल वहाँ से देख ले गए। यहाँ पे प्लेज लगी हुई है, वहाँ से खीरे देखे हैं, खीरे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। कहाँ बंटी कहाँ भागा, आगे देखेंगे खीरे लेके आते हैं। यहाँ पर देखो कहाँ ये कहाँ कहीं की बेल है, ये कद्दू की बेल है, ये लग रहा है कद्दू। आजकल कहाँ लौकी और कद्दू काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक। अब हम लेने आए हैं खीरे, इस पे वैसे दख क्या चारों तरफ ये विशिष्ट कद्दू, पीछे भी था ये नहीं पता खीरे किधर की साइड होंगे, उधर की साइड चल रहे हैं बुग्गी भर रहे हैं। देखो गड्ढे पता ना कहीं के लिए कर रखे हैं, पानी देने के लिए कर रखे हैं शायद ये। गैस हमारे नीचे आ गई अपाची, अब जा रहे हैं हम अपाची पे यार। वैसे ना वैसे और बात है कि वैसे अपाची का जितना तगड़ा पिकअप और कंट्रोल पहाड़ों के मुकाबले इतनी और किसी बाइक का है नहीं, और कंफर्टेबल भी काफ़ी है, जितना मर्जी लंबा चला लो और क्या नाम ले कंफर्टेबल चलेगी बिल्कुल ही, और भागने भूगने में भी काफ़ी अच्छी है। 135 टॉप स्पीड इसकी 135 है, हाँ 135 लो चढ़ जाती है, 180 सीसी में ये है। तो वैसे काफ़ी है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए हैं बाइक के पास ही है, तो मतलब मेंटेनेंस वगैरह से आवाज़ वो जो बिल्कुल टॉप है, मतलब काफ़ी अच्छे से रखी हुई है, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है ये, एक नंबर एक नंबर है। मतलब ऐसे मतलब और बाइक अगर यहाँ पे होती ना तो क्लच दबाना पड़ता, चाहे कोई से गियर में आराम से बड़े आराम से हल्की हो गई। बस कंपनी को यार इसमें एक चीज़ और देनी चाहिए, इसमें गियर शिफ्टर और दे दे तो भाई बाइक एक नंबर बन जाएगी। मतलब जितनी तकड़ी सीसी है उस हिसाब से, क्योंकि जैसे यामा 155 सीसी में है उसमें गियर शिफ्टर दे दिया, इसमें भी गियर शिफ्टर होना चाहिए। गियर शिफ्टर हो ना तो जैसे सिंगल आर से बड़े आराम से रेसिंग के हिसाब से पिकअप लॉन्च बहुत अच्छा होगा, बाइक का लॉन्च एक नंबर होएगा, उसका लॉन्च सब बाइक के यही होना चाहिए कि लॉन्च काफ़ी अच्छा हो ना बाइक का। तो वैसे हमें कौन सा ट्रैक रेस करनी है तो गियर शिफ्टर और तो कुछ नहीं है, रेस बेस के लिए काफ़ी अच्छी रहती है।
एक एक इसमें और फ़ायदा है, आगे पीछे डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक का भी बहुत फ़ायदा है। या ड्रम ब्रेक से तो बंदा परेशान हो जाए। रुक गई, पीछे रुक गई थी, सिंगल हाथ से चला रहा था, तीसरे गियर में थी तो रुक गई एकदम से। मैं बताना आवाज़ कैसी लगती है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, किस किस बाइक की फेवरेट है बाइक। एक नंबर, चलो आप आगे जाके मिलते हैं। अभी बस आ गए यहाँ पे, गड्ढे वड्ढे यहाँ पे रुकेंगे तो उस हिसाब से। तो यार मैं आ गया था घर पे, जहाँ पे घूम फिर के, तो यहाँ तक की बस वीडियो है। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है क्योंकि मैंने वीडियो लेट बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ तक भाई, अगर वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो और कमेंट भी करना क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, और ये अपने यार दोस्तों में शेयर करना। काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। जब तक यार आप ये वीडियो देख रहे हो शायद हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। तो बस यही है, बस आज की वीडियो यहाँ तक के लिए। जब तक के लिए नमस्कार।